Hello and welcome to my channel Blue Chip Finance. In today's video, we are going to discuss about types of facility design layout, which is our topic of operation and production management. So there are six most important types of facility design layout. First one is fixed position layout. Second one is office layout. Third one is process oriented layout. Fourth one is retail or service layout. Fifth one is warehouse layout. And sixth one is product oriented layout. इसमें मज़ीद भी include हो सकते हैं, but most important types of facility design layout are these six. So one by one, first of all, we are going to discuss about fixed position layout. Fixed position layout के अंदर जो projects हैं आपके, वो stationary होते हैं, यानी के तमाम machinery, workers, equipment वो प्रोजेक्ट्स के पास लेके आए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को उनकी तरफ नहीं लेके जाया जाता. और ये नॉर्मली जो ह्यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इस टाइप का लेआउट जो है वो यूज़ होता है. और इनको अगर फिक्स पोजीशन लेआउट के अंदर आप देखें तो प्लेन, शिप मेकिंग, ये टॉप ऑफ द लिस्ट फिक्स पोजीशन लेआउट है. अगर शिप मेकिंग अगर आप देखें तो उसको आप बार बार मूव नहीं कर सकते, बल्कि वो एक ही जगह पे एक स्पेसिफिक लोकेशन जो के उसके काम की नौइयत के अतबार से जो उसको सूट करे उसके पास इस टाइप के प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं. जैसा कि शिप मेकिंग के अंदर अगर आप देखें तो एक ह्यूज एरिया का होना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे समंदर का होना उसके करीब ज़रूरी है, और तमाम जो मटेरियल का इनफ्लो है, कम्युनिकेशन है, उसका भी होना वहाँ पे ज़रूरी है. क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अंदर मुख्तलिफ जो पार्ट्स आपस में असेंबल किए जाते हैं या जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है. सो उसकी जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी इजी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए. तो इसके अलावा इन सर्विस सच एज हॉस्पिटल्स वेयर पेशेंट ब्रॉट टू डॉक्टर्स, अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को आप देखें तो वहाँ पे पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स तक पहुँचाया जाता है, हॉस्पिटल्स कभी भी पेशेंट्स तक एक्सेस नहीं करते. फिर ये हर एक प्रोजेक्ट के लिए फिक्स पोजीशन लेआउट नहीं होता. कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो छोटी नौइयत के होते हैं, तो ये सिर्फ ह्यूज प्रोजेक्ट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है ये फॉलो किया जाता है. और इसके अंदर जो एरिया है वो एक तो नैरो एरिया यूज़ होता है, और दूसरे नंबर पे क्राउडेड होता है बहुत ज़्यादा. नैरो इस वजह से कि जैसा कि पहले डिस्कस हो चुका है कि बहुत बहुत बड़े कंपोनेंट्स, बहुत बहुत बड़े जो उसके पार्ट्स हैं वो असेंबल किए जाते हैं, जिसकी वजह से एरिया शॉर्टेज ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़रूर होती है. और दूसरे नंबर पर ये है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जैसा कि नीचे एग्जांपल्स में दिया गया है, बोइंग, एपीएम मेयर्स्क या एमा मेयर्स्क भी आप कह सकते हैं, इन प्रोजेक्ट्स को आप यूट्यूब के ऊपर ज़रूर देखें. इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि ये किस किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर ये काम करते हैं. और बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आप देखें कि मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड एरिया होता है वहाँ पे, जो मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं मुख्तलिफ काम करने के, वो काफ़ी फासले के ऊपर होते हैं,
मटेरियल कंजस्टेड भी होते हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग प्रॉब्लम और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स जो हैं इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो हैं वो भी इसके अंदर, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन इसके प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो ये है फिक्स पोजीशन लेआउट। दूसरा जो है वो आ जाता है जी ऑफिस लेआउट। ऑफिस लेआउट जैसा कि नाम से जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व्ड इन ऑफिस लेआउट। सो पीपल एडमिनिस्ट्रेशन सच एज सीईओ, मैनेजर्स, असिस्टेंट्स, अकाउंटेंट्स एटसेट्रा, इक्विपमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, कंप्यूटर्स, कैबिनेट्स, टेलीफोन्स, प्रिंटर्स एटसेट्रा, ऑफिसेस, एडमिन ऑफिस, अकाउंट ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, प्रोक्योरमेंट ऑफिस एटसेट्रा, एंड अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन फ्लो एंड मटेरियल फ्लो कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड। स्पेस एक्सपेक्टेशंस डिपेंड ऑन कल्चर्स। कुछ ऑफिसेस के कल्चर्स ऐसे होते हैं कि उनमें बड़े बड़े ऑफिसेस बनाए जाते हैं, जबकि कुछ ऑफिसेस आप ऐसी लोकेशन पे होते हैं कि उनके अंदर बहुत बड़े बड़े सेटअप्स का लगाना पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं, तो उन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी जगह को एक्वायर करना वो प्रॉब्लम होती है। तो ये कल्चर तक भी है कि किस टाइप का कल्चर है इस ऑफिस के अंदर। तो इस ऑफिस की, ऑफिस लेआउट के अंदर जो ऑफिस बनाने का जो प्रॉक्सिमिटी चार्ट है उसके अंदर एब्सोल्युटली नेसेसरी को ए से, स्पेशली इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट ई एंड आई, ऑर्डिनरी इम्पॉर्टेंस ओ, अनइम्पॉर्टेंट यू, नॉट डिज़ायरेबल एक्स, यानी कि इनकी जो नियरनेस है आपस में, इनकी जो कुर्बत है आपस में इन ऑफिसेस के अंदर, वो उनको मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है कि लेट सपोज जो सीईओ है उसके नज़दीक मैनेजर्स जो हैं उनके ऑफिसेस होने चाहिए। तो ये प्रॉक्सिमिटी चार्ट पहले बनाया जाता है, उसके मुताबिक फिर इस लेआउट के को फॉलो किया जाता है। और इसकी सबसे ह्यूज एग्जांपल दुनिया के अंदर वन एंड ओनली द पेंटागन, ये एक दुनिया के अंदर बहुत बड़ा ऑफिस लेआउट है। उसके बाद तीसरा आ जाता है जी प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसके अंदर प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है, तो ये ऐसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस तरह के लेआउट यूज़ किए जाते हैं जो कि कम वॉल्यूम के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसकी प्रोसेसिंग मुख्तलिफ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस से गुज़रती है, यानी एक पार्ट उसका तैयार होता है तो वो दूसरे सेक्शन में चला जाता है, फिर वहाँ पे जो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है उससे फिर तीसरे में चला जाता है, तो ये एक सीक्वेंस के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। इसमें आल्सो यूज्ड इन सर्विसेज सच एज बैंक्स। बैंक्स के अंदर भी आप जाएँ तो आप पहले एक स्पेसिफिक काउंटर पर जाएँगे, फिर उससे आगे एक दूसरे स्पेसिफिक काउंटर पर जाएँगे, तो उसके अंदर भी एक सीक्वेंस पाया जाता है। इसके अंदर लोग नज़दीक नज़दीक काम करते हैं और जो फ्लो ऑफ मटेरियल है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है, और जितनी भी मशीन्स हैं या टूल्स हैं वो आपस में लोकेशन के अतबार से कुर्बत रखते हैं, यानी कि एक दूसरे के नज़दीक, और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं इसके अंदर पाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स को मैनुफैक्चर किया जाता है। ऑर्डर्स तक है, जिस तरह के ऑर्डर्स मिले उसी तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं बनाई जाती हैं, यही वजह है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। ज़्यादा अगर फ्लो है, ज़्यादा डिमांड है, तो उसकी प्रोडक्शन भी तेज़ की जा सकती है, और अगर डिमांड कम है तो उसके अंदर उसकी प्रोडक्शन को स्लो कर दिया जाता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है। और अनइंटरप्टेड प्रोसेसिंग है, क्योंकि एक सेक्शन से जिस वक्त एक चीज़ तैयार हो के दूसरे सेक्शन में जाएगी, तो अगर एक सेक्शन में
रुकावट आ जाएगी तो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग जो है वो रुक जाएगी। तो इसके अंदर जो प्रोसेसिंग है वो अनइंटरप्टेड रखी जाती है, और इसके अंदर स्किल्ड लेबर की आपको ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक स्पेसिफिक काम के अंदर स्किल्ड होते हैं और वो एक प्रोसेस स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, और फिर वो शिफ्ट करते हैं अपने वो जो फिनिश टास्क होता है उसको नेक्स्ट सेक्शन के अंदर सीक्वेंस में। और स्केजुलिंग वेरिएबल कॉस्ट जो है इसके अंदर कंट्रोल्ड होनी चाहिए, वेट टाइम शुड बी रिड्यूस, यानी उसका जो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने का जो टाइम है उसके अंदर अगर वेट टाइम ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो फिर लाजमी बात है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर जो स्मूथ फ्लो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर आप देखें, मशीन शॉप इसकी एग्जांपल है कि मशीन शॉप के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर प्रोसेसिंग होती है, पहले एक चीज़ एक फॉर्म के अंदर बनाई जाती है, फिर उसको फाइनल फर्दर प्रोसेसिंग के लिए नेक्स्ट डिपार्टमेंट में उसको, या नेक्स्ट सीक्वेंस में जो नेक्स्ट उसके आगे शॉप है उसके अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एंड सो ऑन। चौथे नंबर पे आ जाता है रिटेल या सर्विस लेआउट, दोनों इसी के अंदर पाए जाते हैं, रिटेल स्टोर्स भी और सर्विस प्रोवाइडर्स भी इसी के अंदर आएंगे। सबसे पहली बात ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि रिटेल में और सर्विसेज के अंदर जो आपसे बहुत ज़्यादा कंसर्न रखती है चीज़ वो क्या है, कस्टमर, तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए जी कि आप जो भी इसका लेआउट डिसाइड कर रहे हैं फैसिलिटी डिज़ाइन का फॉर रिटेल एंड सर्विस, वो क्लोज टू कस्टमर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये है कि कस्टमर्स की अट्रैक्शन भी उस तरफ होनी चाहिए, और ये दो चीज़ें जो हैं जैसे स्पेस क्लोज टू कस्टमर और कस्टमर्स अट्रैक्शन, ये आपकी प्राइमरी फोकस्ड होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात है कस्टमर का उस रिटेल या सर्विस लेआउट तक एक्सेस करना, कि एक तो वो उसकी जो सबब्स हैं कस्टमर की लोकेशन के उसको अप्रोचेबल होना चाहिए कस्टमर के लिए, और कस्टमर वहाँ पे क्यों आएगा उसके लिए कोई प्रॉपर अट्रैक्शन भी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं, आप उसको कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर काउंट की जाती हैं। फिर आ जाता है जी स्पेस फॉर प्रोडक्ट्स, इनपुट मोबिलिटी मस्ट बी कंसिडर्ड सच एज स्टोर आइटम्स, शेल्फ स्पेस फॉर प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं। स्टोर्स के अंदर या रिटेल स्टोर्स में या जहाँ पे भी कुछ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है रिटेल से रिलेटेड, उस जगह पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होंगी तो वो कस्टमर के लिए उनको चूज़ करना, बाय करना एक बड़ा हैक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कस्टमर अवॉइड करता है। तो प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले के लिए प्रॉपर उसका जो प्लेस है या स्पेस है उनके बीच में वो ज़रूर होनी चाहिए। जो इनपुट मोबिलिटी है मस्ट बी कंसिडर्ड सच एज स्टोर आइटम्स, और जो वहाँ पे इनपुट्स हैं जो स्टोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल रिटेल स्टोर्स हैं, तो रिटेल स्टोर्स के अंदर जो चीज़ें भी आप वहाँ पे पहुँचा रहे हैं फर्दर रीसेलिंग के लिए, उनकी मोबिलिटी जो है वो अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, कोई ऐसी कंजस्टेड जगह भी नहीं होनी चाहिए आपकी स्टोर की नोयत के अतबार से, कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपका इनपुट मटेरियल फ्लो जो है वो स्टक हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट्स डिमांड के मुताबिक नहीं मिलेंगी या मुश्किल हो जाएंगी, जिससे कस्टमर जो है वो फिर अवॉइड करता है। शेल्फ स्पेस जो है प्रोडक्ट्स के लिए वो आपकी प्रोडक्ट्स विजिबल होनी चाहिए, शेल्फ स्पेस जो है उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, और वो उन प्रोडक्ट्स का एक्सपोजर होना चाहिए, कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट्स नज़र आनी चाहिए, और प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स
और उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट्स होनी चाहिए। तीनों पॉइंट्स तकरीबन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और ये आपने अक्सर औकात खुद भी शॉपिंग करते वक्त ये चीज़ें आपने कंसिडर की होंगी कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर प्रॉपर आइल्स अमंग प्रोडक्ट कैटेगरीज फॉर कस्टमर ईज, जो मुख्तलिफ रैक्स आपके स्टोर्स के अंदर होते हैं उनके बीच में जो आइल्स हैं वो प्रॉपर डिस्टेंस उनके बीच में होना चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं वो उनकी जो मूवमेंट है, जो बीच में स्पेस है, वो इतना होना चाहिए कि वहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो पीक टाइमिंग के अंदर भी वहाँ पे इजीली अपनी शॉपिंग कर सकें। और शॉपिंग की एनवायरनमेंट और रिलैक्सिंग एरिया, आजकल जैसे मुख्तलिफ बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, उसके अंदर शॉपिंग की एक एनवायरनमेंट बनाई जाती है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, और सिर्फ रिटेल की चीज़ें डिस्प्ले करने से काम नहीं चलता, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की फैसिलिटीज़ भी आपको वहाँ पे देनी पड़ती हैं, जैसे कि रिलैक्सिंग एरिया हो गया, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो एम्यूज़मेंट की चीज़ें हैं वो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ किस्म के जैसे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मुख्तलिफ प्रॉपर प्लेसेस होने चाहिए जहाँ पे वो कस्टमर्स जो हैं वो आपके इजीली वहाँ पे शॉपिंग कर सकें, और साथ उनके बच्चे जो हैं वो भी उससे अम्यूज़ हो सकें। तो इसके अलावा भी आप रिटेल स्टोर्स पे ख़ुद भी विज़िट करते रहते हैं, ख़ुद आप चीज़ें देखें ऐसे सर्विस लेआउट के अंदर के क्या क्या इसमें चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आप ख़ुद भी अपने पास से ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये एक इसका इंट्रो है कि इसको ऐसे ही होना चाहिए। और इसकी जो बड़ी बड़ी हैं, जैसे कि शिनसाईगाय और मैसीज, और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो कारफोर और इससे मिलते जुलते गीगा मॉल है जैसे, तो ये इसके रिटेल सर्विस लेआउट्स की एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद आ जाता है जी वेयर हाउस लेआउट। वेयर हाउस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे चीज़ों को स्टोर किया जाता है, वेयर हाउसेस। तो सबसे पहले स्पेस यूटिलाइजेशन और हैंडलिंग कॉस्ट। स्पेस यूटिलाइजेशन जो है वाइड वर्सेस स्मॉल, वाइड स्पेस यूटिलाइजेशन और स्मॉल स्पेस यूटिलाइजेशन के अंदर ये फ़र्क है कि एक तो आपकी जो रैकिंग आप कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करने के लिए, अगर तो आप बड़ा एरिया यूज़ कर रहे हैं तो एक तो प्रॉपर उसकी रैकिंग होगी जिसमें आप ज़्यादा जगह कंज्यूम करते हैं, और चीज़ें जो हैं वो अगर आप रैकिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी उसकी, बल्कि उसको आप स्प्रेड करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पेस को यूटिलाइज़ करेंगे। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रैकिंग ज़्यादा करेंगे तो आपकी स्पेस यूटिलाइजेशन कम होगी, लेकिन उसकी हैंडलिंग कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज़रूरत के वक्त किसी चीज़ को बहुत ऊपर से निकालना या अगर बहुत नीचे पड़ी हुई है तो बहुत नीचे से निकालना, वो उसके अंदर आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और उसकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। और अगर ये प्रॉब्लम्स हमेशा होते हैं स्मॉल स्पेस यूटिलाइजेशंस के अंदर, तो स्मॉल स्पेस यूटिलाइजेशन के अंदर आप जो रैकिंग है वो एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, तो स्टैक करने से आपकी जो हैंडलिंग कॉस्ट है और टाइम जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है। तो जहाँ पे तो मटेरियल का फ्लो तेज़ है, यानी कि आपको जो अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस से उसको जल्दी एक्सेस करना चाहते हैं आप, तो फिर आपको वेयर हाउसेस को वाइड करना पड़ेगा। और जहाँ पे उसके लिए कोई टाइम मैटर नहीं करता तो फिर स्मॉल से भी काम चल जाता है, लेकिन फिर उसके अंदर यही प्रॉब्लम है कि उसके अंदर आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे इसका ये आ जाता है जी स्टॉक लोकेशन असाइंड वर्सेस रैंडम। स्टॉक लोकेशन असाइंड वर्सेस रैंडम के अंदर ये फ़र्क है कि कुछ प्रोडक्ट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रॉपर प्लेस उनके लिए असाइन करते हैं और कैटेगरी के अतबार से,
तो ऐसी असाइंड स्टॉक लोकेशन जो होती है उसके अंदर चीज़ को एक्सेस करना वो आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन जो रैंडम स्टॉक लोकेशन है उसके अंदर आप चीज़ों को रैंडम असाइन किए बगैर रैंडम आप रख देते हैं, तो फिर उसके अंदर ये है कि जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की तो उसको एक्सेस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह जैसे वाइड वर्सेस स्मॉल है, इसके अंदर भी फिर आपकी कॉस्ट ज़्यादा उठेगी। असाइंड में चीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएगी और उसकी हैंडलिंग कॉस्ट जो है वो भी कम होगी, और उसको जो टाइम कंज्यूम होता है उसको सर्च करने में वो भी कम कंज्यूम होगा, जबकि रैंडम के अंदर ये प्रॉब्लम्स फिर पैदा होते हैं। और इसके अंदर इंश्योर करनी चाहिए चीज़ें कि एक तो प्रोडक्ट को इजीली एक्सेस किया जा सके, और उसकी जो प्रोडक्ट को एक्सेस करना है और उसकी लोकेशन को ट्रेस करना, उसको हैंडल करना, स्पेस यूटिलाइजेशन में, इन तमाम चीज़ों में कॉस्ट जो है वो कम से कम होनी चाहिए, और स्पेस जो है उसको एफिशिएंटली यूज़ किया जाना चाहिए, यानी कि चाहे वो वाइड है चाहे वो स्मॉल है, लेकिन स्पेस को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आप उस स्पेस से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। असाइंड लोकेशन जो है एज़ कम्पेयर टू रैंडम लोकेशन ये बेहतर रहती है ताकि आप चीज़ को जल्दी एक्सेस कर सकें। और स्टैक लो एंड लेस डीप, और स्टैक जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं लगाने चाहिए, और इसी तरह चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं होनी चाहिए ताकि आप जो है उसको एक्सेस करने में आपको दुश्वारी हो, और प्रॉपर आइल्स जो हैं ये इसके अंदर होनी चाहिए। इसकी जो एग्जांपल्स हैं पूरी दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं उसमें बोइंग एवरेट फैक्ट्री है, इसका वेयर हाउस है, फिर जॉन डेरी है इलिनॉइस के अंदर, फिर टारगेट इम्पोर्ट है, वेयर हाउस है ये वाशिंगटन के अंदर है, ये बहुत बहुत बड़े वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे जो कि इस लेआउट की एग्जांपल्स हैं। और लास्ट में आपका आ जाता है जी प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट के तकरीबन उलट है ये, उसमें लो वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, जबकि प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट के अंदर हाई वॉल्यूम होता है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, और इसके अंदर वैरायटी जो है उसके अंदर वैरायटी ज़्यादा थी प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट के अंदर, जबकि इसके अंदर जो वैरायटी है वो कम होती है। तकरीबन एक ही टाइप की प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है, और मल्टीपल वर्क स्टेशंस जो हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। मेनली जो इसका जो फैसिलिटी लेआउट है वो प्रोडक्ट फोकस्ड होता है, यानी कि आप प्रोडक्ट को फोकस करते हैं कि किस टाइप की आप प्रोडक्ट, उसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो मटेरियल जो है उसका रॉ मटेरियल और उसकी क्वालिटी को एडिक्वेट रखना या यूनिफॉर्म रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त एक ही टाइप की चीज़ को आप प्रोड्यूस कर रहे हो और उसमें क्वालिटी की वेरिएशन आनी शुरू हो जाए तो वो फिर उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठने शुरू हो जाते हैं। यही वजह है कि इसके अंदर रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और इसी तरह यानी रॉ मटेरियल ही की आगे एक्सटेंशन है कि यूनिफॉर्म क्वालिटी, क्वालिटी को यूनिफॉर्म इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर इंश्योर करना चाहिए कि इडल टाइम और स्मूथ प्रोडक्शन, डिज़ायर्ड आउटपुट, ये सारी चीज़ें इल टाइम, स्मूथ प्रोडक्शन, डिज़ायर्ड आउटपुट, ये तमाम चीज़ें आप ऊपर से समझ चुके होंगे कि प्रोडक्शन के अंदर जिस वक्त आपका पॉज आएगा, स्टॉपेज आएगी, तो वो फिर आपका जो फ्लो है वो रुक जाएगा। और इसी तरह इल टाइम जो है और डिज़ायर्ड आउटपुट, वो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट जो है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी है। और इसी तरह इजी ट्रेनिंग, इसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो इजी है, क्योंकि जो आपके वर्कर्स हैं वो एक ही टाइप का काम कर रहे होते हैं, और उन वर्कर्स को ट्रेनिंग देना एक, यानी कि आप उनको स्विच नहीं कर रहे होते, तो जिस वक्त वर्कर्स की स्विचिंग नहीं होगी तो उनको एक ही काम के अंदर आप उनको स्किल्ड बनाना या उनको ट्रेनिंग देना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि उनको स्किल देना भी उसी की जो वो प्रीवियस काम कर रहे हैं उसी की एक्सटेंशन होती है, तो उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी आसान हो जाता है। फिर इसके अंदर जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है
इसको कम होती है, लेकिन इसके ऊपर फोकस भी होना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त प्रोडक्शन, जैसे कि ऊपर डिस्कस हो चुका है कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन यूज़ होती है, हाई प्रोडक्शन हाई वॉल्यूम प्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रोडक्शन जो जो बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट को बाय लॉ कम होना चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम नहीं हो रही तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसको सॉल्व किया जाना चाहिए। और जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्रीज हैं, इसके अंदर आमतौर पे लो होती हैं, अगर लो नहीं है तो उसको करेक्ट करना चाहिए कि वर्क इन प्रोसेस में चीज़ कम रहनी चाहिए। ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट एंड मशीनरीज, ये दो तीन इसके ड्रॉबैक्स हैं कि चूंकि इसमें मशीनरीज बहुत बड़ी यूज़ होती हैं, प्लांट्स बहुत बड़े यूज़ होते हैं, तो इसके लिए आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। और इसके अंदर चूंकि प्रोडक्ट आप एक ही तरह की तैयार कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम पाई जाती है। और इसके अंदर यू कैन नॉट अफोर्ड स्टॉपेज ऑफ द प्रोडक्शन। सो ये है जी प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट, और ये छः टाइप के लेआउट थे। इसकी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट की, बहुत सारी जगहों पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स यूज़ होते हैं, जहाँ पे भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूनिफॉर्म टाइप की, यूनिफॉर्म क्वालिटी की प्रोड्यूस की जा रही हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसके बाद हम कोई और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक जो आपको ये लेआउट से रिलेटेड था उसको लाजमी तौर पे देखें और स्टडी करें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अदर पर्संस अराउंड यू। थैंक यू।